फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्नोमान में। और आवाज़ आती है तो आप उसके लिए सॉरी। और सबसे पहले आपका, मैंने कल लाइव किया था, मैं बहुत अपने सब्सक्राइबर्स से बात किया, बहुत मज़ा आई। और 3 वीडियो थे मगर मैंने एक वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा सेटअप अच्छा नहीं लग रहा था, क्लियरिटी उसमें वीडियो में थी नहीं, तो मैंने 2 वीडियो बस डाले हैं, आप जाके देख सकते हो। और मैं अगली बार भी लाइव होऊंगा जब कोई नहीं रहेगा घर में, जब भी लाइव होऊंगा, वरना आवाज़ आती रहती है। और हम हर हफ्ते लाइव होंगे मगर अभी नहीं, जब से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जबलपुर, जब भी। और अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आज हुआवे अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है, हुआवे पी स्मार्ट करके, जो यूरोप में लॉन्च हो सकता है जनवरी के लास्ट तक। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन ठीक ठाक होगा, 20,000 रुपये तक की इसकी प्राइजिंग होगी। और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, पी स्मार्ट करके इसका नाम है। 5.5 इंच की इसकी स्क्रीन होगी, जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होगा इसका। और आपको किरिन का 659 का प्रोसेसर मिलता है, जो मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं कैसा प्रोसेसर होगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ अच्छा है कि नहीं। आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। और आपको फ्रंट मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का। और आपको एंड्रॉयड 8 मिल जाता है इसके साथ। और बस 3000 mAh की बैटरी मिलती है, जो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी सपोर्ट। और इसमें आपको एक इसमें ये इंडिया में ऐसे फ़ोन लॉन्च करता है तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है। आप बोलिए क्या, अब क्या करेंगे। और कनेक्टर मिलता है तो ठीक है, मगर इंडिया वाले कोई ज़्यादा करने वाला नहीं है और लेगा नहीं। हुआवे वैसे भी इंडिया तक चलता नहीं है, और मैंने तो देखा नहीं कोई अच्छी इसका फ़ोन, और ना ही मैंने ख़रीदा है और ना ही मैंने किसी को देखा चलाते हुए। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे बताओ कमेंट करके। और मुझे तो ठीक ठाक ही लगा यार, इतना भी बुरा नहीं है। और इसमें वेरिएंट भी मिलते हैं आपको, 3 GB रैम, 4 GB रैम और 32 GB वाला, और 4G रैम 64 GB वाला, और 3000 mAh की बैटरी है। और बस वही है पूरा मोबाइल। आपको अच्छा लगे तो बताओ यार, 20,000 रुपये तक इन्हें प्राइसिंग रख दी है, बहुत महंगी है मेरे हिसाब से, ओवर प्राइज्ड किया है इस फ़ोन को इन्हें। और आप ही बताओ इसको मुझे कमेंट करके, ये फ़ोन आप लोगे कि नहीं जब इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं। तो देखते हैं, ये मेरे हिसाब से इंडिया में फ़ोन नहीं लॉन्च होना चाहिए, और होगा भी तो मेरे को चलेगा नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही अपडेट, एक ही अपडेट आया था और कुछ वीडियो बन नहीं रहा। मैं सोचा लाइव कर लूँ मगर अभी मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा, तो ये एक वीडियो बना के आपको बता दिया। तो ऐसी दोस्तों, अभी सोच रहा हूँ कब से मैं वीडियो अपलोड रेगुलर करूँ। अभी थोड़े दिन से हमारे वीडियो रेगुलर हो रहे हैं, आगे तो पूरे ही हो जाएंगे, मगर अभी थोड़े दिन में कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। कमेंट कर देना, मैं 15 मिनट में आपको रिप्लाई दे देता हूँ। थैंक यू।